नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ अभी। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली ब्लॉक क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध कारोबार फल फूट रहा है, जिसमें जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सुर्खियों में है। गौरतलब है कि नवागत एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री बनौंदा ग्राम भ्रमण के लिए निकले थे, जहां रास्ते में एक मिनी ट्रक को अवैध रूप से रेत परिवहन करते पकड़ा, जिसमें अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस को सौंप दिया, जिसमें खनिज अधिनियम की कार्यवाही की गई है। इस मामले में ये बात सामने आ रही है कि पकड़ा गया वाहन कुदरी नौरोजाबाद के किसी संजय सिंह बघेल के नाम से रजिस्ट्रेशन है, जो कि बिना फिटनेस के दौड़ रहा था। इस वाहन का उपयोग कोई जाकिर खान का व्यक्ति करता है। इसके पूर्व में जाकिर खान के ट्रैक्टर द्वारा अवैध उत्खनन में वन विभाग के वन मुनारा को तोड़ने का अपराध कायम है। साथ ही पूर्व में जाकिर खान के द्वारा अवैध उत्खनन के अधिकारी जब कार्यवाही कर रहे थे, तो जाकिर खान के द्वारा अधिकारी से अभद्र व्यवहार में जाकिर खान रेत के काले कारोबार में उसको जेल तक हो गई थी। किसकी मदद से ये कार्य कर रहा है, बहरहाल उक्त मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये गाड़ी अनूपपुर से डिंडोरी के लिए जा रही थी और ये डग्गी थी जिसका ड्राइवर महिपाल सिंह था, और वहाँ से ये जो रास्ता इसलिए निर्धारित है उस रास्ते से न जा करके गांव के अंदर से आ रही थी, जिसमें संदेह उत्पन्न हुआ था। तो उसमें एसडीएम साहब द्वारा चेक किया गया था इसकी टीपी वगैरह, तो उसमें समय की जो गड़बड़ी दिख रही थी उसमें माइनिंग एक्ट की कार्रवाई की गई है और आगे उसमें विवेचना की जा रही है। गाड़ी किसकी है? गाड़ी इसमें अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये और उसमें पता चलेगा।